नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। चिराग पासवान भले ही एनडीए से अलग हो गए हो, लेकिन नीतीश कुमार पर हमला करने से बाज नहीं आते। आज एनडीए में दो घटक दल, एक बीजेपी और एक जेडीयू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया चाणक्य होटल में, जिन और उसमें तमाम सारे बातें कही गई जो 15 साल को लेकर के नीतीश कुमार ने बहुत सारे बातें कही। और ये कहा गया कि हमारे जो एनडीए के नेता रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया जाएगा, वही हैं बड़े भाई। आज पटना के चाणक्य होटल में सीटों के बंटवारों को लेकर के एक अहम बैठक की गई, जिसमें कि बीजेपी को 121 सीट मिला और जदयू को 122 सीट, जिसमें से 7 सीट दिया जाएगा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसको 7 सीट दिया जाएगा। और बीजेपी ने कहा कि वीआईपी पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी से बात हो रही है, मुकेश सहनी से बात हो रही है, जो बीते दिनों महागठबंधन से अलग होकर के अलग हो गई थी, उनसे बात हो रही। बीजेपी ने कहा कि उनसे बात कर रहे हैं, जो कुछ होता है खुलकर सामने हम बताएंगे, उनको बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। वहीं एक बड़ा और एक अहम खबर सामने आ रहा, जिसमें कि जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान एलजेपी के अध्यक्ष नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने कहा, ट्वीट करके कहा कि नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि 7 निश्चय में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उनकी अगर हमारी सरकार आती है तो हम जांच कराएंगे और नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी है और अगर कुछ इसमें लूपहोल्स या कुछ घोटाला हुआ है तो हम उसको जेल भेजेंगे। इसके बाद फिर सवाल किया गया नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार इस सवाल से बचते नजर आए। आखिरकार क्या मसला है जो चिराग पासवान पर ना तो बीजेपी बोलने को तैयार है ना ही जदयू, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीते दिनों से ही सीट शेयरिंग को लेकर के बात हो या फिर उम्मीदवार को लेकर के बात हो, जदयू और चिराग पासवान के बीच लगातार ठनी जा रही है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो दरार बनता जा रहा था। और चिराग पासवान बीजेपी के साथ एनडीए में है सेंट्रल में, लेकिन बिहार में अब वो नाता टूट चुका है, वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। लेकिन जब बार बार जब उनसे प्रेस हम सवाल पूछ रहे थे कि क्या एनडीए में चिराग पासवान है या नहीं, तो इसका सवाल आ रहा था कि चिराग पासवान बिहार में नहीं है लेकिन एनडीए में है। वही कहा जा रहा है कि अब देखने वाली बात है कि चिराग पासवान अब कहां तक रुकते हैं, क्योंकि उनके ट्वीट से तो साफ साफ पता चल गया है कि वो तलखी के मूड में है, नीतीश कुमार से दो दो हाथ करने के मूड में है, जैसा उनका ट्वीट से लग रहा है। बीते दिनों से कई उन्होंने ट्वीट के कई बयान दिए, उन्होंने कई मीडिया में भी बयान, उसके प्रवक्ता द्वारा कहा गया, प्रवक्ता से वो कहा कि नीतीश तेरी खैर नहीं, बीजेपी से कोई बैर नहीं। मतलब क्या है, सेंट्रल में हम रहेंगे बीजेपी के साथ, लेकिन बिहार में हम नीतीश का खैर नहीं, मतलब नीतीश का साथ नहीं देंगे। मतलब साफ साफ है, अपना चेहरा को वो निखारना चाहते हैं बिहार में। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 4 लाख पासवान वोटर्स हैं, 4 लाख पासवान वोटर्स का एक बड़ा तबका है जो रामविलास पासवान के पार्टी को फेवर करते हैं और उनको वोट देते हैं। अगर वो वोट चिराग पासवान को जाता है तो एक अहम फैक्टर हो सकता है रामविलास पासवान के पार्टी चिराग पासवान के लिए कि क्या रोल अदा करता है। अब ये तो बात मतदान होने के बाद ही बात पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दो नीतीश कुमार से चिराग पासवान दो दो हाथ करने के मूड में है। जिस तरह से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने ट्वीट करके, इधर नीतीश कुमार बोल रहे थे कि हमने बिहार में विकास किया, फलाना किया, बहुत सारे तमाम सारी चीज़ें थी जिन्होंने, उनके बाद वो ट्वीट आता उनका कि 7 निश्चय में जो भी घोटाला हुआ है उनके हम जांच कराएंगे, जांच में अगर पता चलता है तो हम नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। अब देखिए ये मुद्दा कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये आगे बढ़ता है, तो मैं आपको बता दूँ, तल्ख तेवर दोनों तरफ से हैं। बीजेपी तो इस पे बोलने से कुछ कतरा रही है, कुछ बोलना नहीं चाह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बीजेपी चुप रही। भूपेंद्र यादव से जो हमने सवाल किया, जो बीजेपी प्रभारी हैं बिहार के, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जहाँ तक बात करें हम संजय जायसवाल से भी, हमने क्वेश्चन किया था कि बिहार में बताइए एलजेपी आपके साथ है या नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, साथ सब सब कहा कि। और एक बात मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से ये कहलवाया कि जो हमारे साथ बिहार में है वही पार्टी वो प्रधानमंत्री का चेहरा इस्तेमाल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ही बीजेपी से ये कहलवाया संजय जायसवाल से कि जो पार्टी बिहार में गठबंधन एनडीए गठबंधन में है वही प्रधानमंत्री का
चेहरा इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का विकास के काम को गुणगान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान के लिए कहा गया है, बिल्कुल ये चिराग पासवान के लिए कहा गया है, क्योंकि चिराग पासवान ही बार बार मोदी के चेहरा को आगे रखते हैं, मोदी प्रधानमंत्री मोदी के को लेकर के बार बार कहा हम उसके साथ हैं, उन्होंने बहुत विकास किया, तमाम चीज़ें हैं तमाम। अब देखना है अब क्या होता है, सात निश्चय में क्या कुछ घोटाला हुआ है ये तो देखा जाएगा आने वाले दिनों में। चिराग पासवान का क्या कितना इसमें सच्चाई है, क्या कुछ है, तो हमने बताया कि चिराग पासवान का क्या हमलावर मूड है, किस क्यों हमला कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर आपको हमारा खबर अच्छा लगता है तो आप हमारी खबर को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सच्ची खबर हर तक पहुँचे, घर घर पहुँचे। इसी के साथ मैं अब धन्यवाद कहना चाहता हूँ, फिर मिलूंगा अगली खबर के साथ, अगली राजनीतिक समीकरण के साथ, क्या कुछ हो रहा है बिहार में, आपको हर पल की अपडेट देते रहते हैं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।